छोड़ने लगा। Yes, crack it, खेड़ को छोड़ दे। Yes, crack it, रास्ते मोड़ दे। Yes, crack it, चल। तो let's get started, आज का session start करते हैं। 2nd November 2020 is here. And we are here with दो हिंदू editorial. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड आपको क्या लगाना होगा? निमिषा। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, बैक एग्जाम्स गोल सिलेक्ट कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके NIMISHA रेफरल कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस, दोपहर में 3 बजे, और परफेक्शन बैच चल रहा है सुबह 9 बजे। इन दोनों बैचेस को ज्वाइन करने के लिए यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। सपने धूमिल हैं तो क्या हुआ, कभी तो सच्चे होंगे, वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ, कभी तो अच्छे होंगे। सही बात है भाई, आज अगर हमारा जो प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं है तो हम उसे अच्छा बना सकते हैं मेहनत करके। सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे हार्डवर्क, हमारी परसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। तो थिंग्स कैन बिकम बेटर, थिंग्स कैन बिकम बेटर, योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग एक्साइटेड हैं? हाउ इज़ द जोश माय चैंपियंस? आई होप इट्स वेरी हाई, बहुत हाई है। यस, चलिए तो सबसे पहले वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सैटिस्फाइड होना, अपने आप में सैटिस्फाइड होना, सेल्फ सैटिस्फाइड होना, स्मग होना, दैट मीन्स कॉम्प्लेसेंट होना। मतलब आपको लगता है जो कुछ आपने अचीव किया है, आपने जो किया है, आप उससे सैटिस्फाइड हो, दैट मीन्स आप कॉम्प्लेसेंट हो। और उस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? उस फीलिंग को हम कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं। लास्ट में ENCY लग रहा है, इसका मतलब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये क्या है? ये एक नाउन है, इट इज अ नाउन। अ फीलिंग ऑफ स्मग और अनक्रिटिकल सैटिस्फैक्शन विद वनसेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंटली। लास्ट में LY लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एडवर्ब। डिलीजेंटली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऐसा तरीका जो दिखाता है कि आप क्या हैं, आप अपने काम को लेके, अपने ड्यूटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ को, अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसका मतलब आप कैसे कर रहे हैं? आप डिलीजेंटली कर रहे हैं। लास्ट में LY लगता है जिन वर्ड्स के, वो वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं, तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। अगला है ईज द स्ट्रेन। ईज द स्ट्रेन क्या है? फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल गई है, आपको छुटकारा मिल गया है, अब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है। यू आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी, योर स्ट्रेन हैज़ बीन ईज्ड। अगला वर्ड है टू कीप पेस। पेस बना के रखना, पेस का मतलब क्या होता है? स्पीड। पेस इज रिलेटेड टू स्पीड। तो आप सेम प्रोग्रेस करते जा रहे हो, आप डेवलप करते जा रहे हो, सेम स्पीड पे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? टू कीप पेस। दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? बोथ ऑफ देम आर फ्रेजेस। अगले वर्ड पे आते हैं, डिप। डिप बोल दो, प्लमिट बोल दो, PLUMMET, सिंक बोल दो, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? डिप प्लमिट सिंक, इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है नीचे की तरफ जाना, टू गो डाउन टू अ लोअर लेवल। जब आप नीचे की तरफ जाते हो, इसका मतलब क्या होता है? द मीनिंग इज डिप। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट एक्शन की बात कर रहा है, डिप वर्ब की तरह भी यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है, मिटिगेट सिर्फ वर्ब की तरह यूज होता है। मिटिगेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सुकून देना किसी चीज से, दर्द को डिमिनिश कर देना, खत्म कर देना, कम कर देना,
सुकून दे देना, पैसिफाई कर देना, मॉलिफाई कर देना, एसुएज कर देना, एमेलियोरेट कर देना, ट्रैंक्विलाइज कर देना, इसका मतलब क्या है? मिटिकेट कर दिया, मींस दुख को कम कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं स्पर। स्पर क्या होता है? जो आपको एनकरेज करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको स्पर बोलते हैं। इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट एज अ वर्ब एंड अ नाउन। वर्ब भी यूज़ होता है, नाउन भी यूज़ होता है। स्पर का मीनिंग क्या है? प्रेरणा, मोटिवेट करना। अच्छा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे जैसे मैं आपको वर्ड के मीनिंग्स बताती जा रही हूँ, आप लोग उनको टाइप भी करते हुए जाओ और उनके पार्ट ऑफ स्पीच खुद से आइडेंटिफाई करके लिखते हुए जाओ। इससे क्या होगा, आपको याद होते रहेंगे। और सभी को पता है रात को 9 बजे हम क्विज करेंगे, तो जब हम रात को 9 बजे आज क्विज करेंगे तो आपको सारे वर्ड्स याद होने चाहिए ऑटोमेटिकली। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ये अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबल क्या होता है? ऐसी चीज़ जो ऊपर ऊपर से दिख रही है, ऐसी चीज़ जो अपेरेंट है, ऊपर से तो दिख रहा है सच है, अब पता नहीं असलियत में सच है या नहीं, लेकिन ऊपर से तो दिख रहा है कि ये चीज़ क्या है, ट्रू है, स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरिली सो। लग तो रहा है कि सच है लेकिन वो है या नहीं, उस चीज़ में डाउट है। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ को हम ऑस्टेंसिबल बोलते हैं। लास्ट में आई भी एली लग रहा है, इसका मतलब इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, इट इज एन एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं पाइल अप। पाइल का मतलब क्या होता है? पाइल का मतलब होता है ढेर बना देना, किसी चीज़ का ढेर बना देना, बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। पाइल अप का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ की क्वांटिटी को इनक्रीज कर दिया, पाइल अप कर दिया। क्या है? फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। पाइल एक वर्ब होती है, अप एक प्रपोजिशन होता है। पाइल अप मीन्स टू इंक्रीज द क्वांटिटी, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। अगला क्या है? बेयर द ब्रंट। बेयर द ब्रंट का मतलब होता है किसी मार का सबसे खराब पार्ट झेलना। मतलब अभी जैसे पेंडेमिक आया, अभी जो महामारी आई, किसने बेयर द ब्रंट किया? जो हमारे माइग्रेंट्स थे, सबसे ज्यादा दे हैड टू बेयर द ब्रंट, मतलब वर्स्ट पार्ट जो है उन्होंने सफ़र किया। टू सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, किसी एक बहुत ख़राब सिचुएशन का, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन का सबसे वर्स्ट पार्ट सफ़र करना, दैट मीन्स बेयर द ब्रंट। फ्रेज है, क्या है ये? फ्रेज है। चलिए पहले वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज कंसेंसस। कंसेंसस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कंसेंसस वर्ड का मीनिंग होता है म्यूचुअल या फिर एक जनरल अग्रीमेंट, जब सब लोग मान जाते हैं, सब लोगों की हाँ होती है किसी बात में, सब लोगों की हाँ होती है किसी बात में, एवरीवन कंसेंट्स, हर कोई कंसेंट कर देता है। कंसेंट का मीनिंग क्या है? मान जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंसेंसस बोलते हैं या जनरल एग्रीमेंट, आम सहमति। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। कंसेंसस मीन्स अ जनरल अग्रीमेंट जहाँ पे हर कोई मान जाता है। अगला वर्ड है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, इसका मतलब वॉट इज इट? स्टैगर्ड। आप बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, आप बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश्ड हो गए, मतलब स्टैगर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। द नेक्स्ट वर्ड इज लैक्स। लैक्स का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी लीनियंट, समथिंग विच इज नॉट एट ऑल स्ट्रिक्ट, कोई ऐसी चीज जिसमें बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बहुत रिलैक्स्ड हो, बहुत लीनियंट हो, इसका मतलब क्या हो गया? लैक्स, नॉट सफिशियंटली स्ट्रिक्ट, सिवियर और केयरफुल। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ, क्योंकि किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। अगला वर्ड है सिन्यूज। सिन्यूज क्या होता है? सिन्यूज इज द पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट गिव्स इट स्ट्रेंथ और बाइंड्स इट टुगेदर, वो चीज़ें जो लोगों को मिला के रखती हैं, चीज़ों को मिला के रखती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में,
किसी स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिम्यूज बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउ रिवाइटलाइज, री का मीनिंग होता है दोबारा, वाइटल वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ, रिवाइटलाइज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फिर से किसी को लाइफ दे देना, फिर से किसी में अंदर एनर्जी डाल देना, फिर से किसी के अंदर जान डाल देना। क्या कर दिया? रिवाइटलाइज कर दिया। शायद एक कोई प्रोडक्ट भी आता था रिवाइटल, जिसका एक टाइम पे सलमान खान ऐड करते थे, आप लोगों को शायद याद हो। यहाँ पे हम एक्शन की बात कर रहे हैं, जान डालने की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अगला वर्ड है एलिसिटर। एलिसिटर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज से कुछ निकालना, आपने किसी चीज से कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, कोई बात समझी, मतलब आपने एलिसिट किया, इवोक और ड्रॉ आउट फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज को लेना, समझना, जानना, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिसिटेड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्योंकि हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब, ये हमारा वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है अनवेवरिंग। वेवर कर्ड का मीनिंग क्या होता है? वेवर इज मैं इधर चला कि मैं इधर चला, इधर चला इधर चला, ये क्या हो रहा है? वेवर हो रहा है। वो इंसान जो स्थिर नहीं है, वो इंसान कैसा है? वेवरिंग है। तो अनवेवरिंग क्या हो गया? अनवेवरिंग हो गया जो इंसान स्थिर है, एक पोजिशन पे है, जो चेंज नहीं हो रहा, जो डिटर्मिनेट है, जिसने सोच रखा है, ठान रखा है, करना तो यही है, बार 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 अपने स्टैंड को, अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा, सच अ पर्सन इज वॉट, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं अनवेवरिंग। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डूम्स डे। डूम्स डे मीन्स कयामत का दिन, आखिरी दिन, जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डूम्स डे। नाउन है, अनवेवरिंग एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। स्केल्ड अप, स्केल्ड अप मीन्स किसी चीज को बड़ा बना देना, स्केल अप बिजनेसेस, कंपनीज आर ट्राइंग टू स्केल अप बिजनेसेस, कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि वो बिजनेसेस को स्केल अप करें। स्केल अप मीन्स टू मेक समथिंग ग्रैंडर और लार्जर, किसी चीज को बड़ा बना देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब है भी। फुल फ्लेज्ड, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली डेवलप्ड, समथिंग दैट इज कंप्लीटली डेवलप्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? फुल फ्लेश। पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, कोशिश किया कीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच खुद से बताएं, तो आपको हैबिट पड़ेगी पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने की। किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चीज़ फुली डेवलप्ड है, ये चीज़ कंप्लीटली डेवलप्ड है, पार्ट ऑफ स्पीचेस। बिल्कुल सही बोला, इट इज एन एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है। फर्स्ट वर्ड इज टैंटामाउंट। टैंटामाउंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इक्विवेलेंट टू, किसी चीज़ के समान होना, किसी चीज़ के इक्वल होना, किसी चीज़ के समान होना, किसी चीज़ के इक्वल होना, इसका मतलब क्या हो गया? टैंटामाउंट होना, इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू वर्चुअली द सेम एस, बिल्कुल एक जैसा होना। जब दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होती हैं तो हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंट या फिर टैंटामाउंट। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? ये जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड की बात करते हैं, कोशिश कीजिए वोकैबुलरी में आप पार्ट ऑफ स्पीच खुद से बता पाएँ, तो मेरे बताने से पहले खुद से बता पाएँ, खुद से कमेंट कीजिए। दूसरा वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट कौन होता है? कोई भी ऐसा इंसान जो ऑफिस पर होता है, जिसकी कुर्सी होती है, जो ऑफिस होल्ड करता है, उस इंसान को हम बोलते हैं इनकम्बेंट, समवन हु होल्ड्स एन ऑफिशियल पोस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन, ऐसा इंसान जो ऑफिस में होता है, ऐसा इंसान जिसकी कुर्सी होती है, जिसके पास पावर होती है, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट। अगला वर्ड है मेमोथ। मेमोथ मीन समथिंग विच इज़ ह्यूज, समथिंग विच इज़ वेरी लार्ज, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत बड़ी होती है, ह्यूज होती है, कोलोसल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेमोथ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ये क्योंकि ये हमें किसी नाउन के बारे में बताता है।
अगला वर्ड है ओमिनस, लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। ओमिनस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, कोई कोई ऐसी आपको सिग्नल मिल रहा है, ऐसी आपको वार्निंग मिल रही है कि आपको लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, उस सिग्नल को, उस वार्निंग को बोलते हैं ओमिनस। अमंगल, गिविंग द वर्निंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कोई खराब चीज होने वाली है, आपको ऐसी सिग्नल मिल रहा है, आपको ऐसे वार्निंग मिल रही है। रीआइट्रेट, री वर्ड का मीनिंग क्या होता है, री एक प्रिफिक्स होता है जिसका मीनिंग होता है दोबारा। रीआइट्रेट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, किसी बात को दोबारा बोलना। आई रीआइट्रेट इट, मैं इस बात को दोबारा बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक्शन की बात कर रही हूँ, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। अगला वर्ड है वॉच डॉग। वॉच डॉग कौन होता है, जो मॉनिटर करता है किसी चीज को, किसी चीज को देखने वाले को क्या बोलते हैं, वॉच डॉग बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउ स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप इसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम वोकैबुलरी का आप हमें स्क्रीनशॉट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ दिया कीजिए, तो दिस इज अ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं साइड हो गई हूँ बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इनकर। इनकर वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को करना, किसी खर्चे को करना, किसी चीज को करना, उसको बोलते हैं इनकर। बिकम सब्जेक्ट टू एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन बिहेवियर और एक्शंस। एक्शंस की वजह से कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं इनकर। ही इनकर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। इनकर मीन्स किसी चीज को करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब हो गया। अगला वर्ड है प्लेनरी। प्लेनरी लास्ट में ए आर वाई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। प्लेनरी वर्ड का मीनिंग बोलो समथिंग विच इज एब्सोल्यूट, कोई चीज ऐसी है जो अनक्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट है, अपने आप में पूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्लेनरी। प्लेनरी मीन समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट। रिब्यूक, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, इसका मतलब क्या होता है, किसी को डांटना, आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, किसी को डांटा, आपने मतलब क्या किया, उसको रिब्यूक किया। ब्रीच, ब्रीच फिर से एक एक्शन है, एक्शन है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। ब्रीच का मतलब होता है किसी रूल को तोड़ देना, आपने किसी रूल को तोड़ दिया, मतलब आपने क्या किया, उसे ब्रीच कर दिया। था एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ अग्रीमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट, किसी भी चीज को तोड़ देना, वायलेट कर देना, मतलब ब्रीच। आप ट्रस्ट को भी ब्रीच कर देते हो, जब ब्रेकअप हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट ब्रीच कर देते हैं, ट्रस्ट को तोड़ देते हैं, बिटरे कर देते हैं, बेवफाई कर देते हैं। यहां से आपको ये वर्ड याद रह सकता है, ब्रीच। आगे बढ़ते हैं, आज की वोकैबुलरी पे आ जाते हैं, लेट्स कम टू दी वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज ले डाउन। अब ले डाउन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ले डाउन का मीनिंग होता है आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया। एक ले डाउन का मीनिंग क्या है, सरेंडर कर दिया। एक और ले डाउन का मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है किसी चीज को स्टैब्लिश करना, किसी चीज को स्टैब्लिश करना भी ले डाउन होता है, गिव अप करना या सरेंडर करना भी ले डाउन होता है। तो ये जो ले डाउन है ये क्या है, सॉरी एवरीवन, ये जो ले डाउन है ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इट इज अ फ्रेजल वर्ब। जस्ट गिव मी वन मिनट। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एलिमनी। एलिमनी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एलिमनी वर्ड का मीनिंग होता है जो एक तरह का रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है डिवोर्स के बाद टू द वुमेन, उसको हम बोलते हैं एलिमनी। अ रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कोड ऑफ लॉ ऑर्डर्स अ पर्सन
टू पे टू हिज प्रीवियस वाइफ और हस्बैंड आफ्टर अ डिवोर्स. वाइफ या हस्बैंड को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो डिवोर्स के बाद पे किया जाता है जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सके, उस पैसे को क्या बोलते हैं? उस पैसे को हम एलिमनी बोलते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. अर्जिंग करने का मीनिंग क्या होता है? आग्रह करना. आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई इस काम को करो, मीन्स यू आर अर्जिंग समवन टू डू दैट वर्क. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब. इनइक्विटेबल, कोई चीज जो इक्विटेबल नहीं है. इन जो प्रीफिक्स होता है, इस प्रीफिक्स का मतलब होता है नो. इक्विटेबल का मतलब क्या है? ठीक नहीं है. तो इनइक्विटेबल क्या हो गया? समथिंग दैट इज नॉट फेयर. कोई ऐसी चीज जो फेयर नहीं है, कोई ऐसी चीज जो अनजस्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज जो जस्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज जो अन्यायी है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्विटेबल. लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दैट मीन्स द पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. तो इनइक्विटेबल हमारा एडजेक्टिव हो गया. इनएविटेबल, फिर से लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव. इनएविटेबल वर्ड का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जिसको रोक होने से आप रोक नहीं सकते. दैट इज सर्टेन टू हैपन, दैट इज अनअवॉइडेबल. वो चीज़ होगी ही होगी, डेफिनेटली होगी. इसका मतलब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ इनएविटेबल है. इट इज सर्टेन टू हैपन, इट इज अनअवॉइडेबल. नेक्स्ट वर्ड इज वैग्रेंसी, लास्ट में ए एन सी वाई लग रहा है, ए एन सी वाई लग रहा है, मतलब नाउन हो गया. वैग्रेंसी क्या होती है? वो स्टेट जब आपके पास कोई घर नहीं है, आप इधर से उधर घूम रहे हो, बट यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर प्लेस टू ड्वेल, यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर प्लेस टू लिव इन. तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस पोजिशन को क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट कंडीशन, पोजिशन एंड स्टेट वैग्रेंसी. क्या बोलते हैं? वैग्रेंसी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूशन, लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, दैट मीन्स इट इज अ नाउन. डेस्टिट्यूशन क्या हो गया? नाउन हो गया. डेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा गरीबी की सिचुएशन होना, एब्जेक्ट पॉवर्टी होना, बहुत ज़्यादा गरीबी होना. इसका मतलब डेस्टिट्यूशन की स्टेट में आप हो. पॉवर्टी सो एक्सट्रीम दैट वन लैक्स द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ. इतनी गरीबी है कि आप अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं कर पा रहे हो. दैट मीन्स डेस्टिट्यूशन. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो गई हूँ, जिससे कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड और मीनिंग दोनों चीज़ें मिल जाए. ठीक है, चलो अगले वर्ड पे आते, अगले स्लाइड पे आते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज ओप्रोब्रियम. ओप्रोब्रियम लास्ट में आई यू एम लग रहा है. जिन वर्ड्स के लास्ट में आई यू एम लगता है, वो वर्ड्स भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं. इसका मतलब ओप्रोब्रियम भी क्या है? नाउन है. इसका मतलब क्या होता है? बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना किसी को, बहुत बुरा अपमान. उस अपमान को, उस क्रिटिसिज्म को हम क्या बोलते हैं? उस क्रिटिसिज्म को, उस अपमान को हम बोलते हैं ओप्रोब्रियम. एमिलियोरेट, किसी चीज़ को अच्छा कर देना, पैसिफाई कर देना, सूथ कर देना, एसुएज कर देना, मॉलिफाई कर देना, एमिलियोरेट कर देना, रिलेशंस को अच्छा कर देना, किसी चीज़ को अच्छा बना देना. एमिलियोरेट इज अ पॉजिटिव वर्ड. एक्शन की बात कर रहे हैं, अच्छा करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ वर्ब. ये वर्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. लिटिगेशन, लास्ट में आई ओ एन लग रहा है. आप ही लोग मुझे बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा. लिटिगेशन लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, इसका मतलब ये नाउन है. इसका मतलब क्या है? आपने कोई लीगल एक्शन लिया है. यू हैव टेकन अ लीगल एक्शन, दैट मीन्स यू हैव टेकन अ लिटिगेशन. काउवेव्स, काउवेव्स क्या होते हैं? स्पाइडर के वेव. बहुत पुराने पुराने स्पाइडर के वेब को क्या बोलते हैं? काउवेब्स बोलते हैं. जालों को काउवेब्स बोलते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? इट इज़ ऑल्सो अ नाउन. ये वर्ड भी हमारा नाउन है. जालों को काउवेब्स बोला जाता है. आगे वर्ड बढ़ते हैं. अ पुअर मैंस समथिंग. अब हम ईडियम ऑफ फ्रेजल वर्ब करेंगे. जैसे कि मैं आपको बताया, वोकैबलरी में हम सारी चीज़ें करते हैं, फ्रेजल वर्ब भी, ईडियम भी एंड वोकैबलरी भी. सो अ पुअर मैंस समथिंग क्या मीनिंग हो गया? किसी भी चीज़ का चीपर वर्जन, किसी भी चीज़ का जो सस्ता वाला वर्जन होता है, जो सस्ता वाला पार्ट होता है, उसको आप क्या बोलते हो? उसके लिए जो ईडियम यूज़ होता है, दैट इज़ अ पुअर मैंस समथिंग. इट इज़ अ पुअर मैंस बुक, इट इज़ अ पुअर मैंस होटल, मतलब चीपर पार्ट ऑफ समथिंग. ड्रैग ऑन,
खींचना किसी को बहुत लंबे टाइम तक बड़ी मेहनत के साथ, एफर्ट्स के साथ आप खींचे जा रहे हो उस चीज़ को, मतलब यू आर ड्रैगिंग ऑन इट। ये हमारा ईडियम था, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। कॉन्टिन्यू एट टीडियस एंड अननेसेसरी लेंथ, बहुत मेहनत वाले बहुत लंबी लेंथ तक किसी चीज़ को कॉन्टिन्यू करना, मतलब ड्रैग करना। द लास्ट वन इज ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप का मतलब क्या है, आशा की किरण। ग्लिमर ऑफ होप को हिंदी में क्या बोलते हैं, आशा की किरण, कि छोटी सी आपको किरण आई है जो दिखा रही है कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। दैट मीन्स ग्लिमर ऑफ होप। अब मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी। आई होप सभी को पता है कि अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ने से पहले पहले ले लेना। एक मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर रोज़ 1:30 बजे, जिन बच्चों को ग्रामर में दिक्कत है, जिन बच्चों को एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ग्रामर के रूल्स नहीं आते, ग्रामर के रूल्स अप्लाई करना नहीं आता, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा। करना क्या होगा इस क्लास को अटेंड करने के लिए, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना, ओपन बटन को क्लिक करना, निमिषा बंसल सर्च करना, फॉलो बटन पे क्लिक कर देना, स्पेशल क्लासेस में जाना, आपको ये क्लास मिल जाएगी और 1:30 बजे क्लास में आ जाना। इस क्लास का PDF, द हिंदू का PDF, 120 रूल्स का PDF, वोकैबुलरी का PDF, सबका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश विद निमिषा बंसल, आपको यहाँ पे सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है मेरी क्लासेस को लेके, बैच को लेके, 9953592800 इस व्हाट्सएप नंबर को नोट डाउन कर लो, लिख लो अपनी कॉपीज पे, कोई भी डाउट हो उस पे पूछ लेना, 9953592800। जितने बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, अभी तक नहीं लिया हुआ है ले लो, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, परफेक्शन बैच कल ही शुरू हुआ है, दोनों बैचेस बिल्कुल नए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत की तुरंत ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन करोगे तो सुबह 9 बजे वाली क्लास में आ जाओगे। सब्सक्रिप्शन का मॉडल ये है, बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है। 24 महीने का लेना 200 कुछ रुपये पर मंथ का पड़ेगा, मींस वेरी इकोनॉमिकल, वन टाइम पेमेंट होगा इतने का। रेफरल कोड यूज़ करना है निमिषा, इस रेफरल कोड को लिख लो, इसी को कोड को यूज़ करना है आपको हर हालत में, NIMISHA, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए और क्लासेस में आ जाना। 9 बजे परफेक्शन, 3 बजे फाउंडेशन, नहीं आज है डेफिनेटली है बच्चे परफेक्शन की क्लास। परफेक्शन बैच की क्लास तो रोज़ होती है, 7 डेज अ वीक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बैच है परफेक्शन बैच, तो उसको तो गलती से भी किसी बच्चे को मिस नहीं करना है। अगर वो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो परफेक्शन बैच तो किसी भी हालत में मिस नहीं होना चाहिए। चलिए तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलकर बोलेंगे मेरे साथ, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye-bye. Take care. Stay blessed. Tata. 9 बजे मिलेंगे perfection batch के लिए, 11 बजे मिलेंगे study plan के लिए। चलिए bye-bye.